যোগ ও পর্যটন সচেতনতার বার্তা নিয়ে কর্ণাটক থেকে পায়ে হেঁটে দেশ ভ্রমণ করছেন যোগ প্রশিক্ষক কৃষ্ণা নায়েক। কৃষ্ণা নায়েক আজ শিলচর এসে পৌঁছানোর পর সংবাদ মাধ্যমের কাছে তার অভিযানের মূল লক্ষ্যের কথা বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং যুবাদের বলবান হতে নিয়মিত যোগ করার আহ্বান জানান। नमस्कारम, मेरा नाम कृष्णा नायक, मैसूर कर्नाटक स्टेट से आ रहा हूँ। कर्नाटक स्टेट से पूरा भारत मतलब 28 स्टेट्स, नेपाल भूटान तीन राष्ट्र का कंप्लीट पैदल यात्रा कर रहा हूँ योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए। मैं प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ, सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सर, ये पैदल यात्रा 16 अक्टूबर 2022 मैसूर कर्नाटक स्टेट से स्टार्ट हो गया था। अभी तक 1 साल 4 महीना कम्प्लीट हो गया और लगभग 11,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं। असम ये 16 स्टेट है सर। सो ये पैदल यात्रा करने के लिए मेन रीज़न हमारे सारे स्कूल कॉलेज स्टूडेंट लोगों को, स्पेशली यूथ जनरेशन लोगों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए, मतलब योग क्या है, योग क्या चाहिए और योग का फ़ायदा क्या है, स्टूडेंट लाइफ में योग क्यों चाहिए, आज योग क्यों इतना पॉपुलर हो रहे हैं, योग के पीछे साइंस क्या है और मेडिटेशन क्या है, प्राणायाम क्या है, अब ये इसलिए ये और आसन क्या है, ये सब सारे चीज़ के बारे में स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन भी कर रहा हूँ, इसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देता हूँ उनको। सो और एक मेन चीज़ है पर्यावरण के बारे में जागरूक भी कर रहा हूँ सर। सर ये सर ये आज मिजोरम से पूरा करके इधर असम स्टेट पर फिर आया। आने के बाद यहाँ से सिलचर आने के बाद इधर कुछ स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम करने के बाद सर इधर से पहले डिस सर के साथ मुलाकात हो गया। सो यहाँ से पूरा करने के बाद यहाँ से वो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ से नई दिल्ली, नई दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से फिर वापस कर्नाटका। ये जर्नी पूरा लगभग 3 साल तक जर्नी कंटिन्यू रहेगा सर। स्पेशली ये पैदल यात्रा करने के लिए मेन रीज़न योग के बारे में जागरूक करने के लिए और कुछ पता नहीं सर। मैं सुबह 6 बजे से 6 बजे के लिए वॉकिंग शुरू करता हूँ सर। शाम 5 बजे तक वॉकिंग करता हूँ। बीच में स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम, मतलब सभी स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी स्कूल कॉलेज को और इसे इस तरह रात में रुकने के लिए वो पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पम्प, कभी कभी लोग भी आमंत्रण देते हैं उनके घर में सोने के लिए, उस टाइम वो तो हो जाएगा। बाकी टाइम तो वो चल रहे सर, अच्छी तरह चल रहे। मैं हमारा ये असम लोगों को या हमारा भारतवासियों को मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप सब लोग भी हर रोज़ योगा प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह पे पौधा लगाइए, हमारा देश, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ मानव जीवन के लिए बहुत अत्यावश्यक है। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ राइज योर वॉइस फॉर दिस कैंपेन टू मेक मोर सक्सेसफुल। जय हिंद। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता करने के लिए, ये आध्यात्मिक के लिए पैदल यात्रा तो पूरा थोड़ा सा कनेक्शन है, थोड़ा नज़दीक कनेक्शन है, इसलिए मैं पैदल यात्रा चूज किया। स्पेशली हेल्थ के लिए पैदल का? हाँ हाँ, वो तो ये सारे चीज़ के बारे में। अभी तक कौन से स्टेट में गए? सर कर्नाटक शुरू हो गया था सर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, असम से मतलब गुवाहाटी से, और त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और फिर असम कनेक्ट। आज वो फिर आ गया, मैं यहाँ से मणिपुर साइड जा रहा हूँ सर। सो इस तरह से ऐसे सर चल रहे हैं सर। तो आप इतना सारा स्टेट घुमा है तो कैसा आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है योगा के बारे में? हाँ जी सर, मैं ये पूरा सब जगह पे वो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाने के बाद, सभी डीसी सर को मुलाकात होने के बाद, डीसी सर पर प्रोग्राम करने के लिए परमिशन दे रहे हैं और मीडिया कवरेज भी हो रहे हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं सर। स्पेशली लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छी तरह मिल रहे हैं, इसलिए जर्नी अच्छी तरह चल रहे सर। एक योगा शिक्षक के रूप में मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं योगा या जिम्मेदारी नागरिक के रूप में मेरे काम मेरे देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ सर। এখন কামত বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী সংবাদ পেতে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।